हेलो स्टूडेंट्स वी आर लाइव नाउ वेलकम टू एस आई एस ऑनलाइन क्लासेस टूटर लाइट ओके स्टूडेंट्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट क्या होती है ठीक है सो वॉट इज लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है ठीक है च इज हेल्प हेल्प्स टू सीन अदर ऑब्जेक्ट्स ठीक है लाइट जो है वो हमें हेल्प करती है अदर ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स को सीन करने में ठीक है अगर एक आप डार्क रूम में जाएँ और वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स रखें कि आप सीन कर पाओगे नहीं जैसे ही आप इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करोगे ट्यूबलाइट का या बल्ब का एल ई डी का ठीक है आपको सभी चीज़ें क्या होने लगेंगी विजिबल होने लगेंगी दिखने लगेंगी ठीक है तो ये क्यों होता है क्योंकि लाइट जो है वो हमारा सीन होने का एक सोर्स है ठीक है सो so, स्टार्ट करते हैं चैप्टर वी सी थिंग्स अराउंड अस मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू सी देम इज द ऑफ लाइट ठीक है वॉट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस क्या ऐसा पॉसिबल बनाता है हमको दिखने में सी देम उनको देखने में इज द फिनोमिन ऑफ लाइट ठीक है वो क्या होते हैं फिनोमिना ऑफ लाइट लाइट के फिनोमिना होते हैं जिनकी वजह से हम आ, उन ऑब्जेक्ट्स को उन उस थिंग्स को जो हमारे चारों तरफ हैं उनको देख पाते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है विच हेल्प्स अस टू सी थिंग्स ठीक है जो हमको हेल्प करती है थिंग्स को देखने में अदर थिंग्स को सीन करने में एवरी Around us is visible. जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है वो विजिबल तभी हो रहा है ओनली वेन लाइट फ्रॉम ट्रेवल टू अवर आईज ठीक है कि जब को, कोई light उस objects पर <coughs> होकर वो करती है हमारी आंख की तरफ ठीक है इफ द ऑब्जेक्ट डिट ठीक है अगर ऑब्जेक्ट uh, क्या इस लाइट को इमिट ना करे इट्स ओन लाइट इट मस्ट रिफ्लेक्टेड लाइट इन ऑर्डर टू बी सीन ठीक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिन बाई वर्च्यू ऑफ विच इंसिडेंट डाइट एनर्जी इज पार्शली और कंप्लीटली सेंट बैक इन टू दीडियम ठीक है मीन्स देखिये इसी इस मीडियम इस से एक साइड से लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी मीडियम में उसी साइड क्या हो जाए रिफ्लेक्ट कर जाए दिनोमिना बाई वर्च्यू ऑफ विच इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट लाइट एनर्जी इज पार्शली और कम्प्लीटली सेंट बैक इन टू मीडियम फ्रॉम विच इट इज कमिंग आफ्टर बींग ऑब्सट्रैक्टेड बाई रिफ्लेक्शन ठीक है सेम मीडियम फ्रॉम विच इट इज कमिंग आफ्टर बींग ऑब्सट्रैक्टेड जहाँ से वो आ रही है उसी साइड वो बैक हो जाए ठीक है बाई सरफेस इज रिफ्लेक्शन और जिस सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होगी तो उस सरफेस को क्या बोला जाएगा रिफ्लेक्शन ठीक है सो लेट अस अंडरस्टैंड सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन यहां कुछ टर्म्स हम रिफ्लेक्शन के अंडरस्टैंड करेंगे समझेंगे उन चीजों को जैसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ठीक है द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे

कॉल्ड दी नॉर्मल जो इंसिडेंट पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ की जाएगी सर्फेस के अकॉर्डिंग वो क्या होगी हैंस दी नॉर्मल ठीक है बस डायग्राम में देखते चलिए और रीड करते चलिए डिफिनेशन को ऑटोमेटिक सब समझ में आता जाएगा थर्ड इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे दाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट जो जैसे टॉर्च होता है ना सोर्स ऑफ लाइट तो कोई भी अगर लाइट रेज आ रही हो हमारे पास फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट से दैट फॉल्स ऑन दी सरफेस ऑफ मिरर और वो सरफेस मिरर पर फॉल्स हो इस कॉल्ड द इंसिडेंट रे ठीक है जैसे अगर इसमें देखेंगे तो ओ ए और ओ बी दोनों ही देखिए इंसिडेंट रे हैं हमारी ठीक है किसी सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट से ये मीडियम की ओर मिरर की साइड uh, ट्रेवल कर रही है ओके देन ओ एंड ओ बी आर इंसिडेंट रेस द रेज ऑफ लाइट ऑप्टेंड आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट ऑप्टेंड आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ओ बी और ओ ए लाइन है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए ओ डी ओ ए रिफ्लेक्टेड टू ओ डी एंड ओ बी रिफ्लेक्टेड टू ओ सी ठीक है ओ सी और ओडी क्या हमारी रिफ्लेक्टेड रेस सो द रेस ऑफ लाइट ऑप्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे ओ सी एंड ओडी आर द रिफ्लेक्टेड रेस ओके सो आखे के जो पॉइंट्स हैं उनको कल डिस्कस करेंगे सो so, आज की डेट डाल देते हैं टू टू ओके सो बाय टेक केयर